हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर सब्जी खरीदते समय साइड में पड़े हुए इन राम करेले को तो देखा ही होगा। जी हाँ, जंगली करेला, मीठा करेला इसको बोला जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया सब्जी है। अगर आपने नहीं बनाई है ये जंगली करेले की सब्जी, तो आज आप इस रेसिपी को पूरा देखें, इसे जरूर बनाने की ट्राई करें। तो चलिए सीखते हैं आज हम राम करेले की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने राम करेले को ले लिया है 250 ग्राम और इसे धो लिया है अच्छे से। फिर मैं इसको ऊपर से कट करके इसके एक के दो भाग कर रही हूँ। अब इसके अंदर देखिए बीज निकलते हैं, तो बीज को ले लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बीज बिल्कुल करेले के बीज के जैसे लगते हैं, इसीलिए इसे करेले की फैमिली से रिलेटेड बोला जाता है। लेकिन ये करेले की तरह कड़वे नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। एक बार बना लेंगे ना, तो आपके घर में इसको खाने वालों के लिए बिल्कुल भी नखरे खत्म हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो इसके बीज हम निकाल लेंगे। तो देखिए किसी किसी में ना ब्लैक कलर के बीज भी निकलते हैं। तो सारे बीज निकालने के बाद इसको मैंने एक का दो भाग करके काट लिया है और ये बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। मैं इसे आज आलू के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना हम सरसों का तेल, सरसों के तेल में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच जितना मगरेल यानी काला जीरा बोला जाता है जिसे, 1/4 चम्मच जितनी हींग। फिर इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, तो इससे फ्लेवर तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा हमारे इस राम करेले यानी मीठे करेले की सब्जी का। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। लहसुन को आपको ज्यादा चलाना नहीं है, बस इसे 1 मिनट के लिए आप भून ले बढ़िया से। फिर इसमें हम 2 मीडियम साइज की प्याज डालेंगे जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने नासिक वाली प्याज का यूज करा है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास जो भी प्याज अवेलेबल हो आप उसे काट ले सकते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बस प्याज को आपको क्या है ना, ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। फिर इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले जो की है 1/4 चम्मच लाल कुटी मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जितना जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच ही मैंने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर। अच्छे से धीमी आंच पे मसालों को अच्छे से भून लेंगे और आपको ज्यादा तेज आंच नहीं रखनी है, नहीं तो मसाले अगर जल गए तो रेसिपी का कलर बिल्कुल खराब आएगा। फिर इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के ही टमाटर जो कि लाल लाल है और देखते ही इसको मुंह में पानी सा आ रहा है। तो सब्जी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है टमाटर का, इसको मिला देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना नमक, नमक स्वाद अनुसार आप डालिए। फिर इसे मिक्स कर दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के आलू जिसे मैंने पतला पतला लंबा काट लिया है, ज्यादा मोटा नहीं, ज्यादा पतला नहीं रखा है। तो आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप वैसे कट कर सकते हैं, इस शेप के आलू जल्दी पक जाते हैं। तो इसे 1 मिनट फिर से मैंने मसाले के साथ मिक्स करा और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अब मैं ढक के रखूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर तो बिल्कुल ही गल गए हैं और अच्छे से पक भी गए हैं। तो इसको अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे हमारे ये राम करेले जो हमने काट के रेडी करे हैं, मीठे करेले, या फिर इसको आपकी भाषा में क्या बोला जाता है आपके एरिया में, तो वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीजों को बढ़िया से, और फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम ही रखा है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे राम करेले की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार हो गई है। आपको देखने में ही ये बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग और अच्छी लग रही होगी। अब इसमें हम चुटकी भर डालेंगे गरम मसाला और गरम मसाले के साथ इसे फाइनली हम 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और सब्जी हमारी देखिए ये बनके तैयार हो गई है, राम करेले या मीठे करेले क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यूनिक स्टाइल आलू के साथ राम करेले, मीठे करेले की सब्जी बनके तैयार है। एक बार फ्रेंड्स इसे बना के आप देख लें, क्योंकि ये आपको फिर पसंद आएगी ही आएगी और आप इसे बनाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, नहीं भूलेंगे। तो ये मेरे स्टाइल से आलू के साथ राम करेले की सब्जी की रेसिपी आपके लिए मैंने शेयर करी है। तो आप भी इसे बनाएं, अपने अनुभव आंसू सोम किचन के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदा दिली बनाए रखें और जुड़े रहें आंसू सोम किचन से। बाय बाय।